वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पेंट के सॉफ्टवेयर में बताऊंगी सारे टूल्स के बारे में कि कौन सा टूल क्या क्या काम करते हैं, और उसमें सारे टूल्स के नाम भी आपको प्रॉपर दिखाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेंसिल से। तो ये है हमारा पेंसिल, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ड्रॉ अ फ्री फ्रॉम लाइन विद द सेलेक्ट लाइन विथ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो है पेंसिल से फ्री फ्रॉम तरीके से, यानी कि ईज़िली तरीके से अपने हिसाब से जो है पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं फ्री तरीके से। चाहे आपको किसी भी टाइप का लाइंस बनाना हो, या फिर ज़िगज़ैग लाइन बनाना हो, है ना, या कर्व लाइन बनाना है, तो जिस भी तरीके से, या आपको ड्राइंग करना है ना, जैसे पहाड़ बनाना है आपको, तो इसका पेंसिल का यूज़ आप फ्री फ्रॉम तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप फिज़िकल पेंसिल का यूज़ करते हैं उस तरीके से। सेकेंड है आपका फिल विथ कलर। ठीक है, फिल विथ कलर का यूज़, यहाँ पे देखिए फिल विथ कलर का साइन कैसे दिख रहा है, एक बाल्टी जैसा। ठीक है, इसका यूज़ जो है कलर फिल करने के लिए होता है, आप कहीं भी कलर जो है वो फिल कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो राउंड राउंड बना था उस पर अलग है, तो आप इसमें भी कलर फिल जो है फिल कर सकते हो, ये इस तरीके से, ये कलर फिल करने के लिए होता है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल जेड करके बाहर हो जाती हूँ यहाँ से। चलिए ये था, यहाँ पे दिया है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट का यूज़ आप इसमें पेंट में जो बनाते हैं उसमें कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, आई होप आपको दिख रहा हूँ। चलिए इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, चाहे आप अपना नाम लिख सकते हैं या कोई भी जो है छोटा मोटा कैप्शन लिख सकते हैं, तो जो भी लिखना चाहते हैं आप इसमें टेक्स्ट के ज़रिए से लिख सकते हैं टेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है इरेज़र। इरेज़र का यूज़ आप लोग जानते ही हो, इरेज करने के लिए होता है, तो हम यहाँ पे इरेज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इरेज़र का। पिक कलर, पिक कलर का यूज़ जो है कलर पिक करने के लिए किया जाता है, यानी कि पिक कलर यहाँ से तो पिक नहीं होगा वो कलर, लेकिन हम जो है इस पेज में अगर कोई भी, इसमें अगर हमको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा और हमारे पेज में ऐसे कलर्स हैं जो हमको चाहिए, तो हम वहाँ उस पेज से जो है हम कलर को है पिक कर सकते हैं या ले सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर बनाती हूँ, मेरे को ये वाला कलर अगर पसंद है तो यहाँ पे भरूँगी, या पिक कलर है, मैं यहाँ से, अगर यहाँ से तो पिक कलर के लिए जा नहीं रहा, तो मैं यहाँ से जो है कलर पिक कर सकती हूँ और भर सकती हूँ, ये इस तरीके से। फिर से ये कलर मैं चूज़ कर सकती हूँ यहाँ से, जैसे ये वाइट है तो मैं ये वाइट जो है वो यूज़ करके पिक करके फिल कर सकती हूँ, ये इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट आते हैं मैग्नीफायर पे। ये मैग्नीफायर होता है पेज को जूम करने के लिए, तो यहाँ से हम इसको जूम को हटा लेते हैं, नॉर्मल पेज पे ही कर लेते हैं जितना था। चलिए अब यहाँ पे आते हैं ब्रश पे। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के ब्रश दिए गए हैं, कोई मोटा है कोई पतला, अलग अलग टाइप्स के ब्रश दिए गए हैं, तो मैं ना आपको मैं बता देती हूँ इस टाइप का जो ब्रश है उसको। चलिए मैं पहले कलर चेंज कर लेती हूँ। ये एक ब्रश दिया है आपको पेंट करने के लिए। सेकेंड है एक, ये डिफरेंट है, ये ब्रश ये हो गया। तीसरा जो अलग है वो स्प्रे ब्रश, ये आपको इस तरीके से स्प्रे करके देगा। आप चाहें तो यहाँ से साइज़ भी जो है इसका बढ़ा सकते हैं, इस साइज़ में तो हम इस मोटे वाले से भी साइज़ से हम भर सकते हैं इसको इस तरीके से, देखिए ये। चलिए ये हो गया ब्रश। अब हम बात करेंगे इन शेप्स में क्या क्या दिया है। ये लाइन दिया है आपको सीधे लाइन ड्रॉ करने के लिए, आप इस तरीके से सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये है कर्व टूल। कर्व का यूज़ जो है हम लोग कर्व बनाने के लिए करते हैं, लाइक फ्लैग, जैसे झंडे में कर्व होते हैं उस टाइप के आप कर्व जो है वो बना सकते हैं इस तरीके से। ये कर्व टूल है, ये यहाँ से आपने कर्व टूल लिया, लाइन खींचे जितना ही बड़ा चाहिए उस तरीके से, फिर इसमें आप कर्व जो है वो बना सकते हैं, ये जैसा भी आपको कर्व बनाना है आप बना सकते हैं। ठीक है, ये है इलिप्स, या फिर ओवल भी बोल सकते हैं इसको, इलिप्स या ओवल जो भी बोलना चाहें, ये गोल या राउंड शेप देने के लिए होता है। ठीक है, ये होता है रेक्टेंगल,
रेक्टेंगल बनाने के लिए या स्क्वायर बनाने का यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है राउंडेड रेक्टेंगल, ये इस तरीके से कोने से जो है आपको राउंड शेप देगा। मैं एक बार इसको क्लियर कर लेती हूँ, कंट्रोल जेड एंड डिलीट, ठीक है, कंट्रोल ए एंड चलिए यहाँ पे थे ना, ये राउंडेड रेक्टेंगल, ये कोने से जो है वो देखिए आपको राउंड शेप देगा इस तरीके से, ठीक है। ये आते हैं हम लोग पॉलीगॉन टूल, पॉलीगॉन टूल्स में जो होता है एंगल्स बनाने के काम आते हैं, आप जितने चाहे उसमें एंगल्स बना सकते हैं, ये जितने चाहे लाइन्स जो है बना सकते हैं, वो जुड़ कर ही बनेगा। जैसे कोई गेम आप बना रहे हो और ये वहीं पे ख़त्म होता है जहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये, मैं यहीं पे ही क्लिक करूँगी तो यहीं पे ही ख़त्म होगा, ठीक है, ये इस तरीके से ये। ठीक है, चलो ये इसमें मेन इतने टूल्स थे, और इसमें जो दो और टूल्स आते हैं वो इसमें से आते हैं, एक सेलेक्ट है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एक है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन में जो है आप खाली रेक्टेंगल शेप में ही जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इस तरीके, तो सेलेक्ट करने के बाद चाहे आप इसको कॉपी पेस्ट करें, डिलीट करें, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर लेती हूँ, ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। और एक जो सिलेक्शन है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, ये फ्री फ्रॉम सेलेक्ट को आप जिस भी तरीके से चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करना चाहूँ तो इस तरीके से फ्री तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ, ये इस तरीके से मैं इसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो डिलीट करना चाहती हूँ या फिर तो डिलीट कर देती हूँ, तो फ्री फ्रॉम दोनों में यही अंतर है। रेक्टेंगल में आप रेक्टेंगल का ही यूज़ कर सकते हैं, और फ्री फ्रॉम में है जो आप कैसे भी जो है यूज़ कर सकते हैं जी। चलिए इतना हो गया आपका 16 टूल्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।